अब हमने कल क्या क्वेश्चन करा था, जिसमें पहले रोलिंग नहीं हो रही थी, बाद में रोलिंग शुरू हो गई, क्योंकि सरफेस क्या था, रफ था, तो उसने क्या करा, रोलिंग कराने की कोशिश करी। एक ऐसा ही क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बेटा, या जरूरत है ऐसे क्वेश्चन की, बहुत लंबा सा फालतू टाइम वेस्ट है ना, हम कुछ और करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, इतनी बात हो गई, अब हम आते हैं किस पे, एक्सेलरेटेड रोलिंग पे, मेन चीज जो है। एक्सेलरेटेड रोलिंग, बेटा एक चीज का ध्यान रखो, जितने भी लोगों ने मीटिंग ज्वाइन करी हुई है, सब लोग जो यहां पर ऑनलाइन देख रहे हैं, अपना नाम और रोल नंबर जरूर डालेंगे। अगर नाम और रोल नंबर नहीं डालोगे तो आपको इन नहीं किया जाएगा क्लास में, किसी भी हाल में। ईमेल आईडी तो बाद में लेकर के फिर दूसरे सेटअप से करेंगे, और क्लास बीच में छोड़ोगे तो फिर आपको फिर दिक्कत होगी, फिर इन नहीं हो पाओगे, अगर नितिन वहां बैठा नहीं है कंप्यूटर पे तो, ठीक है। तो फिर घूमते रहोगे, फिर बार बार यही बोलते रहोगे हम इन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड रोलिंग। भाई रोलिंग में सिंपल क्या था कि फ्रिक्शन का वर्कडन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब फ्रिक्शन का वर्कडन एक तरीका तो ये था, जीरो हो सकता था जो फ्रिक्शन लगे ही ना, तो वो तो हमने पढ़ लिया, उसको क्या कहते हैं, अनएक्सेलरेटेड रोलिंग। दूसरा, फ्रिक्शन लगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, लेकिन फ्रिक्शन कोई वर्क ना करे, तो अनएक्सेलरेटेड रोलिंग में एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लगेगा ही कॉन्टैक्ट पे, बाकी जगह तो लगेगा नहीं, ठीक है। बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू जीरो, फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करेगा। अब अगर फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करेगा तो ये एफ इज सेल्फ एडजस्टिंग या स्टैटिक, ये कहानी है या नहीं है, सेल्फ एडजस्टिंग होगा या स्टैटिक होगा, दो चीजें हो गई, ठीक है। अब एक और मजेदार बात, ये फ्रिक्शन जो भी होगा ये हमेशा लिमिटिंग से क्या होगा, छोटा होगा, होगा या नहीं होगा, इतनी बात है, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, ध्यान सुनना, हमारे पास मान लो ये ग्राउंड है, ये कोई बॉडी है इस ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो एक मिनट, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सपोज ए सी एम है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा सी एम है, और दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड पे पॉइंट है जी, और इसके ऊपर ये पॉइंट है पी, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ जी, अच्छा एक बात बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट सेम एक्सेलरेशन से चलते हैं, पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ हमने, मतलब जो कॉन्टैक्ट में पॉइंट्स हैं उन दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो, सेम हो, तभी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अब क्या कहानी है, ए ऑफ जी इज व्हाट, जीरो, ये तो चल ही नहीं रहा, इसका एक्सेलरेशन तो क्या है, जीरो है। लेकिन अगर मैं इस पी पॉइंट का एक्सेलरेशन देखूं, ठीक है, इतनी बात, इस इंस्टेंट पे जी ग्राउंड के पैरेलल वाला एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा, ए ऑफ पी पैरेलल टू जी कितना होगा, एक तो ए सी एम होगा आगे की तरफ, और पीछे की तरफ अल्फा सी एम इंटू आर, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फॉर फॉर एक्सेलरेटेड रोलिंग ए पी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए जी, यस और नो, इस केस में फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन वो फ्रिक्शन कैसा होगा, सेल्फ एडजस्टिंग होगा, और सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कभी भी वर्क नहीं करता है, और सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो क्या हो गया, ए सी एम माइनस अल्फा सी एम इंटू आर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, तो ए सी एम इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा सी एम इंटू आर, सिंपल सी कहानी है, बन गई बात, अरे यस और नो,
चलो अब आगे बात करें। सर कल आप बोल वाली बात बता दी, वो भी कर लेंगे, क्वेश्चन है वो तो, ठीक है। एचसी वर्मा का 85 नंबर वही है, ठीक है, तो वही मैं कराने जा रहा था, या तो बाद में कर लेंगे, तुम लोग ट्राई कर लो एक बार। हो गया। अब सुनो भाई, इतनी बात हो गई, अब जरा देखते हैं। अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, सपोज दिस इज ग्राउंड, ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है, इतनी बात। क्या ले लूं बॉडी, डिस्क ले लेता हूं, या क्या लू, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, डिस्क, जो लेना चाहते हो बता दो मुझे। सॉलिड स्फीयर, रुक जा, सॉलिड स्फीयर, अब जरा ढंग से एनालाइज करना, ठीक है, इतनी बात। सॉलिड स्फीयर है ग्राउंड पे, मतलब इसका मास m, रेडियस r और ICM सबको पता है, इतनी बात। yes, अब मजेदार बात देखो, ध्यान सुनना, ये हमारा सेंटर ऑफ मास, अभी कुछ लिखो नहीं, पहले सुन लो। अगर ये स्मूथ है और मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, कांस्टेंट फोर्स, एट हाइट टू बाय फाइव आर पे, कितने पे लगाता हूं, 2/5 R पे, ये रोल करेगा कि नहीं करेगा? Yes. क्या कर जाएगा, प्योरली रोल कर जाएगा, तो बॉडी विल प्योरली रोल। और इस केस में फ्रिक्शन क्या आएगा, जीरो आएगा, पता है हमें। Yes. कौन सी रोलिंग कहलाएगी, अन, यस नो, ये आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं इस हाइट से कहीं, इसको नोट कर लो पहले, या स्मूथ और रफ दोनों लिख लें, दोनों केसेस में यही होगा क्योंकि फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे सरफेस स्मूथ हो चाहे रफ हो। अगर मैं 2R/5 पे फोर्स लगाता हूं, कांस्टेंट, या इंपल्स लगाता हूं, तो ये बॉडी तुरंत क्या करेगी, रोलिंग में आ जाएगी, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मैं इस हाइट से ऊपर या नीचे फोर्स लगाता हूं, तो बॉडी रोल नहीं करेगी, तुरंत तो नहीं करेगी ना, ठीक है, इतनी बात। तो अब मिटा दें इसे। अब देखो भाई, अब इसी बॉडी पे मैं ऊपर टेंजेंशियली कांस्टेंट फोर्स लगाता हूं, बेटा बातें नहीं, कैसा फोर्स लगाता हूं, कांस्टेंट, ठीक है, इतनी बात। चलो अब देखो भाई, अब एक मिनट ध्यान सुनो, अपने पास ये रहा, ठीक है, इतनी बात। ये सरफेस कैसा, अब अगर ये सरफेस स्मूथ होगा तो क्या रोलिंग हो पाएगी, पहले बताओ, अगर ये स्मूथ है क्या रोलिंग हो पाएगी, नहीं होगी, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि कभी भी नहीं हो पाएगी, आगे भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आगे भी रोलिंग होने के लिए क्या रिक्वायर्ड था, फ्रिक्शन, ठीक है। तो आप लिखो जरा, लिखो, बॉडी विल नॉट रोल इंस्टेंटेनियसली और लेटर ऑन, ना तुरंत रोल करेगी ना बाद में रोल करेगी, क्लियर है इतनी बात। yes, क्योंकि इस केस में आपका ओमेगा क्या आ जाएगा, ज्यादा, और वी क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ ऐसा, हाँ या ना, बॉडी विल नॉट रोल इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, इतनी बात, और क्या कहते हैं, लेटर ऑन,
ठीक है। अब जरा देखो, एक मिनट मिटा दूं इसे। यस सर। बेटा बातें नहीं। अब मैंने इसको करा रफ, ठीक है, रफ सफिशियंट इनफ टू प्रोड्यूस रोलिंग इंस्टेंटेनियसली। मतलब इतना फ्रिक्शन है कि कहीं भी फोर्स लगे, मतलब कहीं भी क्या, अभी मैंने तो इस सिचुएशन में दिखाया आपको, टॉप पे लगा रहा हूं, इसी के लिए है सवाल कि हमने कहां पर लगाया फोर्स, टॉप पे लगाया, ठीक है, इतनी बात। या एक काम करो, हम बॉडी को, कोई भी बॉडी ले लेते हैं जिसका मास m, रेडियस r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया icm, सारी बॉडीज के लिए एक साथ ही पढ़ लेते हैं। कहां पर लगाया हमने फोर्स, टॉप पे। अब हम icm की वैल्यू डालते रहेंगे, हमें चीजें मिलती रहेंगी, हाँ या ना, ठीक है। तो मैंने कहा सरफेस इतना रफ है कि बॉडी जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा तुरंत किस में आ जाएगी, प्योर रोलिंग में आ जाएगी। कौन सी रोलिंग? अनएक्सल, नहीं, एक्सेलरेटेड, क्योंकि फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन की जरूरत पड़ रही है। अगर यहां पर टॉप पे फोर्स लगाओ और स्मूथ हो तो क्या रोलिंग होती है हर केस में? नहीं होती, सिर्फ रिंग वाले में होगी। तो रिंग वाले के लिए यहां से भी आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात, उसके लिए परेशान मत हो। अब जरा देखो, एक मिनट ध्यान सुनना। अब क्या कहानी हमारे पास, मैंने कहा कि फोर्स में लगा रहा हूं, कॉन्स्टेंट है। अगर ये रिंग होता, आप वैसे भी सोच लो, अगर क्या होता रिंग, तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, क्या करता, रोल करता, करता कि नहीं करता। लेकिन अगर रिंग नहीं है तो रोल तभी करेगा जब क्या होगा, फ्रिक्शन, और वो कैसा होना चाहिए, सफिशियंट इनफ। अगर कम होगा तो रोलिंग नहीं होगी, कम होगा तो इंस्टेंटेनियसली रोलिंग नहीं आएगी। मैंने क्या लिखा, इंस्टेंटेनियसली रोलिंग, ठीक है, इतनी बात। कम होगा तो शुरू में रोलिंग नहीं होगी, बाद में जाकर के फ्रिक्शन क्या करवा देगा, रोलिंग ला देगा, क्लियर है, इतनी बात हमने कल पढ़ा था, ठीक है। और हो सकता है बाद में भी ना ला पाए फ्रिक्शन रोलिंग, वो तो हमने क्या पढ़ा था, वीसीएम और ओमेगा सीएम की, वी और ओमेगा की बात करी थी, वहां पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे थे, यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। हो सकता है इसकी वजह से रोलिंग कभी आए ही ना, ठीक है, इतनी बात। अब तो मैं साफ साफ लिख रहा हूं कि इतना रफ है कि रोलिंग तुरंत आ जाएगी, ठीक है, इतनी बात, इंस्टेंटेनियसली, जैसे ही हमने फोर्स लगाया, और उसी के साथ हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। अब जरा देखो, एक मिनट ध्यान सुनना। अब एक चीज देखो, अगर मैं देखूं तो ये F कहां लगा, टॉप पे लगा, ठीक है। जितने भी हमने H कैलकुलेट करे थे ICM अपॉन MR, उनसे क्या हो रहा है, ऊपर ही आ रहा है, सिर्फ रिंग वाले केस में बराबर आ रहा है। तो अगर ऊपर आता है तो मैंने कहा था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किधर जाता है, पीछे, याद है कि नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पीछे जाता है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस बॉडी पे, आगे लग गया, आगे इस पे, आगे और ग्राउंड पे पीछे। अब आप एक चीज देखो, ये दो फोर्स लग गए बॉडी पे, जैसे ये दो फोर्स लगे सेंटर ऑफ मास के पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। और ऐसे ही सेंटर ऑफ मास के एफ का टॉर्क और इस फ्रिक्शन का टॉर्क दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एफ का टॉर्क घुमाना चाहता है ऐसे और फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे अपोज करना चाहता है। तो अब हमें रोलिंग करवानी है, कौन सी वाली, एक्सेलरेटेड वाली। अगर एक्सेलरेटेड वाली रोलिंग करवानी है, ठीक है, इतनी बात। यार कुछ लोग ना तंग कर रहे हैं, तो नितिन के पास जा, नितिन को फोन पकड़ा, बोल देख भाई वेटिंग रूम देखता रहे। अब देखो क्या कहानी है, इस इन दोनों की वजह से ऐसे करके क्या आ गया, अल्फा सीएम। और अगर रोलिंग हो रही है तो मैंने आपको बताया ए सी एम किसके बराबर हो जाना चाहिए, आर इंटू अल्फा सी एम हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, यही कहानी है कि नहीं है, और यही तो पढ़ा था हमने। अगर तुरंत रोलिंग हो रही है तो ये आ जाना चाहिए। अब मजेदार बात देखो, अगर ये हो गया तो अब इसे चलाने वाला कौन है, ट्रांसलेशन की बात करो, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू वट एम इंटू ए सी एम, फर्स्ट इक्वेशन, हाँ या ना। दूसरा एफ माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल टू वॉट आई सी एम इंटू अल्फा सी एम, यस ओ नो? भैया आप देखो, एफ इंटू आर, इसका टॉर्क पॉजिटिव और इसका क्या नेगेटिव, और इसके टॉर्क के अलोंग ही क्या आ रहा है, अल्फा ले लिया हमने, अरे यस ओ नो? अब जरा देखो, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा सी एम अपॉन आर, दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू।
मुझे क्या क्या बताना है, सब कुछ बताना है मुझे, एसीएम बताना है, अल्फा सीएम बताना है, कितना फ्रिक्शन लग रहा है बॉडी पे, और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए, सफिशियंट इनफ, ये तो बताऊं कितना चाहिए था, ठीक है, सारी बातें बतानी है। अब जरा देखो आप क्या कर सकते हो, अल्फा सीएम को आप ए सी एम अपॉन आर लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो, तो इसको टू मत लिखो, टू यहां लिखते हैं, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू आई सी एम इंटू ए सी एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। अब दोनों को ऐड कर दो तो कितना आया, टू एफ, और मैंने एम ए सी एम कॉमन ले लिया। अबे तू देखते जा, क्यों परेशान हो रहा है, ऐसे नहीं ले सकता, ठीक है, कैलकुलेशन मत बोला कर कुछ भी, सब सही होगी। अब जरा देखो ये कहानी आ गई अपने पास, यहां से एसीएम आ गया कि नहीं आ गया अपने पास, एसीएम कितना है, इसको छोटा कर दें थोड़ा सा, टू एफ अपॉन एम वन प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर, ये आ गया, आ गया कि नहीं आ गया पहले देख लो भाई, अरे यस ओ नो, सब लोग चेक कर लो भाई, आ गए बच्चों, ठीक है। अब अल्फा सी एम देखें, अल्फा सी एम इज वॉट, ए सी एम अपॉन आर, हाँ या ना, तो कितना हो गया, टू एफ अपॉन एम आर वन प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर, यस ओ नो, इतनी बात सबको क्लियर है। अब मजेदार बात देखो, अब मैं फ्रिक्शन निकालना चाहता हूं कितना चाहिए था, ठीक है, इतनी बात, तो जरा देखो मैं यहां पर ए सी एम की वैल्यू डाल दूं, आई विल गेट व्हाट, फ्रिक्शन, तो डाल देते हैं भाई, जरा देखो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम माइनस एफ, यस ओ नो, एम इंटू ए सी एम कितना, टू एफ अपॉन दिस, मैं देखो निकम्मो, टू एफ अपॉन दिस आएगा कि नहीं आएगा, तो कितना आ गया, एफ इज इक्वल टू टू एफ अपॉन वन प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर माइनस एफ, एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लेते ही हो जाएगा एफ वन माइनस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर अपॉन वन प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर, देखो जरा यही आ रहा है, चेक करना भाई यही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे देखो भाई यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ गया फ्रिक्शन, आ गया भाई। अब मजेदार बात देखो, ये जो फ्रिक्शन होना चाहिए ये लिमिटिंग से क्या होना चाहिए, छोटा, तभी पता चलेगा म्यू की वैल्यू क्या है, हाँ या ना, ठीक है, क्योंकि मुझे बताना था कि कितना फ्रिक्शन चाहिए ये भी तो पता चले, ठीक है, इतनी बात। अब ऐसे तो आप अभी देख लो, आप एक काम करो, इसमें इस बॉडी को रिंग मान लो, जरा क्या मान लो, रिंग, तो जरा देखो एफ की वैल्यू जीरो आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, मतलब फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं थी, और ये मैं पढ़ा के आ रहा हूं आपको कि अगर ये रिंग होगा और आपने टॉप पे फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तब ये चाहे सरफेस स्मूथ होता चाहे रफ होता बॉडी क्या करेगी, रोल करेगी, हाँ या ना, ठीक है। कुछ लोग वेटिंग रूम में बैठे हैं तेरे, एक और मुस्काना, उसने रोल नंबर निकाला, हाँ तो मत करियो ना, ठीक है, कति मत करियो बेटा, पेज निकाल के सिर्फ नेम नेम भाई सत्यम नाम लिख दियो अपना, वहां पे देना, मेरा फोन दे दे, मतलब वहीं अभी रहने दो, वो फोन ना आ जाए किसी का, ठीक है। अब देखो भाई ये कहानी आ गई अपने पास, नहीं अब ये इशू हो गया। अब मैं म्यू की बात करूं, ठीक है, ध्यान सुनते रहो, अब दिस एफ क्योंकि स्टैटिक है तो दिस एफ मस्ट बी लेस देन व्हाट, लिमिटिंग, यानी कि एफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू एन, अरे यस ओ नो, एन कितना होगा, एमजी होगा, अरे निकम्मो कितना होगा, एमजी, तो चलो बढ़ा लेते हैं इसे भी, तो क्या हो गया, एफ वन, चलो ऐसे देख लो, म्यू की वैल्यू क्या आ गई, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ अपॉन एम जी वन माइनस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर अपॉन वन प्लस
ICM अपॉन MR स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, अब आप एक काम करो बेटा, अब अगर आप रिंग देखते हो, मान लो ये रिंग है, तो म्यू की वैल्यू क्या चाहिए? जीरो या जीरो से बड़ी। यानी कि अगर ये रिंग होता तो सरफेस स्मूथ होता या रफ होता? हमेशा क्या होगी? रोलिंग होगी। क्लियर इतनी बात? Yes, अगर ये डिस्क है, क्या है? डिस्क। डिस्क है तो 1-1/2 अपॉन 1+1/2 कितना गया? 1/2 / 3/2 यानी कि एफ अपॉन 3 mg। म्यू की वैल्यू एफ अपॉन 3 mg से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। वो आपसे हमेशा सवाल में पूछता मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसके लिए रोलिंग पॉसिबल है, तो कितना हो गया इस केस में? डिस्क के लिए एफ अपॉन 3 mg। अगर म्यू की वैल्यू एफ अपॉन 3 mg से कम है तो रोलिंग कभी भी इंस्टेंटेनियसली नहीं होगी। मैंने ये नहीं कहा कि आगे चल के नहीं हो सकती है, मैंने क्या कहा? इंस्टेंटेनियस रोलिंग की बात करें तो इंस्टेंटेनियस रोलिंग इज नॉट पॉसिबल इफ म्यू इज लेस देन एफ अपॉन 3 mg फॉर अ डिस्क। ठीक है इतनी बात? अरे क्लियर है? नोट करो सारी बकवास। अब बात समझ में आ रही क्या चल रहा है? नहीं, बढ़िया चीज है। हो गया? आसान है? देखो अगर आपने टॉप पे फोर्स लगा दिया और रिंग की बात कर रहा है तो आपको सोचना ही नहीं है, फ्रिक्शन हो या ना हो हमेशा क्या होगा? रोलिंग होगा। हाँ कहीं और लगाया रिंग पे तो फिर रोलिंग नहीं भी हो सकती है, और अगर होनी है तो फ्रिक्शन मस्ट बी सफिशियंट इनफ। एक सवाल और देख लेते हैं। अब देखो भाई मिटाऊं से? हो गया? Yes, sir. एक और लेते हैं इसी पर, है ना? बातें नहीं। बेटा बातें मत करो बस। अब कोई बॉडी मान लो यार, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, आपको भी आसानी रहेगी। क्या मानना चाहोगे? सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, क्या मानना चाहोगे? सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानूं बता दे? मैं रिंग मान रहा हूँ। ठीक है, हम रिंग मान रहे हैं, बस हो गया ना? ठीक है, रिंग कैसे इजी होता है? एमआर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दूसरे में 2/5 या 2/3 हो जाएगा। अंतर क्या आएगा? कोई अंतर आएगा रिंग में? पता मेरी कैलकुलेशन बचेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, क्योंकि ICM अपॉन MR स्क्वायर करूंगा तो कट के 1 आ जाएगा, सिंपल रहेगा मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं इसे हॉलो स्फीयर। कौन कैसे मान लेगी? रोल कराएगी कौन को? हॉलो स्फीयर, बातें नहीं। मास M, रेडियस R, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM इज इक्वल टू 2/3 MR स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? देख लिखा हुआ है, लिख दिया। ठीक है, अब ये टेंशन नहीं, क्या लिया? अब जरा देखो, अब हमने क्या करा बेटा, ध्यान सुनना। इस बॉडी पे सेंटर ऑफ मास पे हमने फोर्स लगाया कांस्टेंट, और लिख लो सरफेस इज रफ इनफ, सरफेस इज रफ इनफ टू प्रोड्यूस रोलिंग, सरफेस इज रफ इनफ टू प्रोड्यूस रोलिंग। ठीक है, सरफेस इतना रफ है कि रोलिंग होगी होगी। अरे ठीक है, चलो इंस्टेंटेनियस, जब भी ये वर्ड यूज कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस। ठीक है इतनी बात, सरफेस इज रफ इनफ टू प्रोड्यूस रोलिंग इंस्टेंटेनियसली, लिख ले भाई, खुश हो जा। अब क्लियर है? अब हमें क्या करना है? हमें करना है म्यू बताना है, सारे नाटक बताने। ठीक है इतनी बात क्लियर है? अब देखो, तो जैसे ही एफ लगा, एक बात बताओ, ये जो एच हमने कैलकुलेट करा था उससे क्या है? नीचे है, नीचे है कि नहीं है? एच हमने कैलकुलेट करा था यहां पर 2R/3 पे, सेंटर ऑफ मास से कितना ऊपर? 2R/3, और मैं लगा कर रहा हूं सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है इतनी बात, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किधर जा रहा होगा? आगे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। तो इस केस में अब फ्रिक्शन किधर लगा बॉडी पे? पीछे, और ग्राउंड पे कैसा? आगे। अब आप एक चीज देखो, ये एफ लग रहा है और ये एफ लग रहा है, तो इन दोनों की वजह से ऐसे करके क्या आ गया? ए सी एम आ गया कि नहीं आ गया? और अब अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर टॉर्क देखो, इस एफ का टॉर्क तो क्या है? जीरो है, बचा किसका टॉर्क? सिर्फ फ्रिक्शन का, और वो ऐसा ही आ रहा है, तो ऐसे करके कौन आ गया? अल्फा सी एम।
और अगर रोलिंग हो रही है तो हमें पता है ACM बराबर कितना, R इंटू अल्फा CM। कोई इशू है इसमें? कोई इशू नहीं है, ठीक है इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले इसको चलाने के लिए कौन काम आ रहा है, F, रोकने के लिए कौन, F इज इक्वल टू M इंटू ACM। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब एक बच्चा कह रहा है सारे जनरलाइज्ड रिजल्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकता है भाई, ठीक है, लेकिन ये देखना है कि फोर्स कहां लग रहा है। यहां कहां लगा रहा हूं, सेंटर पे, पिछले वाले में कहां लगाया था, टॉप पे, तो वो रिजल्ट पिछले वाले जनरलाइज्ड ट्रू तब है जब फोर्स टेंजेंशियल लगा, और कहां लगा, टॉप पे। ये मत करना कि साला फोर्स यहां लगा और वही वाले रिजल्ट उठा दे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है इतनी बात। अब पारस चावला कह रहा है ओके थैंक यू सर फॉर टेलिंग, ठीक है। अब पारस ऐसे इतना खतरनाक वो क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, अब ICM इंटू अल्फा CM ये आ गया भाई। तो अब जरा देखो अल्फा CM को आप क्या लिख सकते हो, ACM अपॉन R, तो F विल कम आउट टू बी ICM ACM अपॉन R स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा भाई। दिस इज इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन वन, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बता दो मुझे। लड़की R भी नीचे भेज दिया और अल्फा CM को ACM अपॉन R लिखा, तो दो R आ गए नीचे, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ACM मिल जाएगा, कर दो ऐड, तो F अपॉन M वन प्लस ICM अपॉन MR स्क्वायर, पिछले में क्या आया था, 2F आया था शायद, याद है, इज इक्वल टू ACM, अल्फा CM आ जाएगा हमारे पास F अपॉन MR वन प्लस ICM अपॉन MR स्क्वायर, हो गया, दो कहानी हो गई, अरे यस ओ नो, ठीक है। अब फ्रिक्शन निकाल लें, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई इशू तो नहीं है, यहां से निकाल लेते हैं, F इज इक्वल टू, और देखो मेरा फ्रिक्शन पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब मेरी डायरेक्शन फ्रिक्शन की क्या सही है, नेगेटिव आता तो मेरी डायरेक्शन फ्रिक्शन की क्या होती, गलत। आप एक काम करो, इसी सवाल में फ्रिक्शन को आगे ले लेना, ठीक है, और आप कैलकुलेट करने लगे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है इतनी बात, तो आपको पता चल जाएगा हमने गलत ले रखा, ठीक है इतनी बात। अब F इज इक्वल टू F माइनस M ACM, ऐसा ही है, M ACM कितना है, ऐसा कुछ, हाँ मैं कब कह रहा हूं आ सकता है, मैंने कहा अगर आपको नहीं पता है तो आप आगे ले लो, नेगेटिव आ जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है। अब कितना आ गया बेटा, जरा देखो, जरा देखना कितना आ रहा है, F इज इक्वल टू F अपॉन वन प्लस एम आर स्क्वायर ICM, जरा चेक करना, एम आर स्क्वायर अपॉन ICM, ऐसा आ रहा है क्या, जरा चेक करो भाई। बेटा मैंने LCM लिया, एक F से F कट गया, इस F के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया, ICM अपॉन एम आर स्क्वायर, उसको नीचे ले आया, तो वन अपॉन ICM अपॉन एम आर स्क्वायर लिया, ठीक है इतनी बात, तो नीचे ICM हो गया, ऊपर एम आर स्क्वायर हो गया, और ये पहले से वही था, तो इसके नीचे कट के क्या आ गया, वन आ गया, क्लियर है इतनी बात, कैलकुलेशन तुम्हारा है, हाँ अभी तो कैलकुलेट कर लेना यार, इतना सोच क्यों रहा है, करके देख यही आएगा, मतलब प्लस माइनस मत सिखाओ ना। अब ये आ गया, अब दूसरी चीज क्या है कि भाई ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगा, छोटा होगा, तो एफ एल ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एफ, हाँ या ना, जो हमारा फ्रिक्शन है लिमिटिंग से छोटा होगा, लिमिटिंग इज व्हाट, म्यू इनटू एमजी, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ अपॉन एमजी वन प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन ICM। देखो मैंने ये भी जनरल कर दिया, मैंने बॉडी ली नहीं, अरे यस सुनो, हाँ या ना, अब अगर ये रिंग होता तो कितना चाहिए था, म्यू की वैल्यू एफ अपॉन टू एम जी से बड़ी होनी चाहिए या बराबर, देखो अगर मैं रिंग ले लूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ अपॉन टू एम जी से बड़ी या उसके बराबर, उससे छोटे में रोलिंग नहीं होगा। अगर मैं इसको हॉलो स्फीयर ही लेता हूं तो यहां क्या डाला, टू बाई थ्री, तो ऊपर थ्री हो गया नीचे टू हो गया, है ना, तो कितना हो गया, ऊपर गया ऊपर थ्री नीचे टू, टू एफ बाई फाइव एम जी, टू एफ बाई फाइव एम जी, उसके बराबर या उससे बड़ा, अरे क्लियर है, खेल खत्म। एक और कर लेते हैं एक्सेलरेटेड रोलिंग पे,
अब समझ में आ रही बात कैसे करना है? हो गया। अब लिखो एक चीज, लिखो एक्सेलरेटेड रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, एक्सेलरेटेड रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। मेडिकल में खूब आता है भाई, लिख ले अंश, मैंने कब मना करा है? सारे यस नहीं मुझे लग रहा है। मतलब कोई राहुल नाम का तो नहीं तुम में से है? कोई राहुल नाम का? मतलब मेरे जीवन का दुर्भाग्य कभी सेलेक्ट नहीं हुआ राहुल नाम का कोई बालक। ठीक, मतलब मैंने जितने पढ़ाया आज 2004 से लेकर के अभी तक, साले राहुल वाले हमेशा निकम्मे निकले। अंश तो इस साल भी सेलेक्ट हुआ है, आईआईटी में गया। ठीक, अब देखो भाई है कोई राहुल? ठीक, मतलब क्या और फेल होगा या पास होगा? अब देखो भाई, अब लिखो जरा एक्सेलरेटेड रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो भाई, एक्सेलरेटेड रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अब ध्यान सुनना यार। हाँ, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन। ये एंगल थीटा, जनरल सॉल्व करूंगा जैसे मैं सारे कर रहा था, ठीक है। ये इसके ऊपर बॉडी, ठीक है। बॉडी अगेन कैसा? मास एम, रेडियस आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम, जनरल कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। अब इनिशियली इसके ये कितना है h, इनिशियली सेंटर ऑफ मास बॉडी का कहां पर है? h हाइट पर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये इंक्लाइन सरफेस, इंक्लाइन सरफेस रफ इनफ टू प्रोड्यूस रोलिंग ठीक है। हमें सब कुछ बताना है। अब इसको हमने छोड़ दिया, बॉडी को यहां से क्या करा हमने? रिलीज्ड, मतलब इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, यहां से हम इसको रिलीज कर रहे हैं और ये रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। यही कहानी है कि नहीं है? ठीक है, इतनी बात, रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक है। अब जरा हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें भाई, ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो एक मिनट, mg sin थीटा इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। बेटा बातें नहीं सुनते रहो, ऐसे करके क्या लगेगा? mg cos थीटा, ये सरफेस को दबाएगा n से, तो ऊपर क्या आ गया, इस पे n आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, इस बॉडी पे फोर्स कहां लगा? सेंटर ऑफ मास पे। अरे कांस्टेंट फोर्स ही तो है, कहां लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पे। मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा बॉडी पे? पीछे, हाँ या ना? तो बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लग गया? पीछे। मैं ग्राउंड पे दिखा नहीं रहा हूं बेटा, भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी पे किधर लग गया फ्रिक्शन? पीछे लग गया। हमने बोल ही दिया बॉडी रोल करेगी, ठीक है। तो बॉडी रोल करेगी तो हमने इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से एक सेंटर ऑफ मास का क्या आ गया? एक्सेलरेशन। और इस फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से ऐसे करके क्या आ गया? अल्फा सीएम। आ गया कि नहीं आ गया?
क्योंकि एम जी साइन थीटा एन और एम जी कॉस थीटा कोई टॉर्क लगाने वाले नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो क्योंकि रोलिंग हो रही है तो ए सी एम बराबर कितना आर अल्फा सी एम। ठीक है, अच्छा पिछले केसेस में मैंने आपको ये बताया दिखाया नहीं कि फ्रिक्शन का वर्क जीरो हो रहा है, मैंने दिखा शो नहीं किया ना ऐसा। अगर हम पिछले केसेस में शो करना चाहें कि फ्रिक्शन का वर्क जीरो है, आपको तो मैंने बोल दिया, आप मान भी रहे उस बात को, कोई ये बोला ही नहीं कि हाँ कैसे पता चला फ्रिक्शन का वर्क जीरो है, तो एक काम करो पिछले में चलते हैं। कहाँ गया, इसको ऐसे ही बना रहने दो, इसमें आ जाओ, इसी में देख लें, इसी में देख लेते हैं ना। चलो अब जरा देखो एक मिनट, आप एक चीज देखो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट SCM आगे करता है, कितना करता है SCM, तो ट्रांसलेशन का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको थोड़ा छोटा कर लें, और छोटा करो, रिजल्ट्स दिख रहे हैं ना सबको, भाई तुम लोगों को भी दिख रहे हैं, ग्रुप वालों दिख ही रहे होंगे, ऐसा तो नहीं। हाँ ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहले आप SCM निकालो, तो SCM इज टाइम टी में हाफ ACM इंटू व्हाट टी स्क्वायर, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, हाँ या ना, ACM की वैल्यू डाल देंगे कोई इशू तो नहीं आएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ट्रांसलेशन विल बी इक्वल टू माइनस F इंटू हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर, यही हुआ कि नहीं हुआ। अब रोलिंग भी हो रही है, रोटेशन भी हो रहा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, अल्फा सीएम था, तो थीटा सीएम जो एंगल उसने घूमा टोटल, थीटा सीएम इज हाफ अल्फा सीएम इनटू टी स्क्वायर, हाँ या ना। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन रोटेशन इज, जरा देखो फ्रिक्शन का टॉर्क तो पॉजिटिव है और एंगल भी उसी डायरेक्शन में है, तो क्या कहानी आ गई, एफ इंटू आर इंटू थीटा सीएम, और यही होता है ना यार, यहां पर माइनस एफ माइनस एफ इंटू एस सी एम, यहां पर कितना टाउ इंटू थीटा, तो थीटा सी एम कितना हाफ अल्फा सी एम इंटू वट टी स्क्वायर। निकम जरा ये चीज और ये चीज का प्रोडक्ट लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, टोटल सम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टोटल सम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यस सुनो, तो ये हमेशा होगा भाई, ये आपको सोचना ही नहीं है, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात, कुछ भी करोगे हमेशा ये रिजल्ट बनेगा, नोट कर लो जहां पर पीछे छोड़ा था हमने। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो गया, टोटल वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन इज व्हाट, जीरो। और वैसे भी यार इतने दिनों से हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या आना है, जीरो आना है, तो जितना इसने इसको नेगेटिव करा ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर इससे भी पिछले वाले केस में जाओ तो रोटेशन वाला नेगेटिव हो रहा था क्योंकि फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था। एक और पीछे जाते हैं, देखो यहां, देख यहां फ्रिक्शन का ट्रांसलेशन वाला वर्क क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन रोटेशन वाला क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों बराबर आ जाएंगे, अपने आप क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चलो अब हम उसी पे चले जाते हैं, चलो खुश हो जाओ। हो गया भाई, डन, यस सर। अब जरा देखो ये कहानी आ गई हमारे पास, अब यहां भी रोलिंग हो रही है, तो एक चीज तो ACM बराबर कितना R अल्फा CM, ठीक है। अब आप एक चीज देखो भाई, हमें क्या बताना है, हमें बताना है जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बॉडी पहुंचती है तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि रोल करता हुआ ऊपर से आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, ACM बताना है, अल्फा CM बताना है, फ्रिक्शन कितना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना नेसेसरी है और कितना टाइम इसको यहां से यहां पहुंचने में लगेगा, क्लियर है, सारा ड्रामा करना है। ठीक, अब एक बात बताओ, जब हम अनएक्सेलरेटेड रोलिंग पढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन कोई वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन यहां भी लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? भाई हमने तभी हटाई थी ना जब फ्रिक्शन कोई वर्क करता था तो हम कहते थे एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया। अबे जब बेवकूफ है, फ्रिक्शन काम ही नहीं कर रहा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहां भी लगा लो, एक तरीका ये है, तरीका एक नंबर एक है ना। दूसरा तरीका कि भाई मैं ACM निकाल लूं, ठीक है, फिर मुझे ACM निकाल लूं, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट मुझे पता ही है यहां से यहां तक का, अरे एच बाय साइन थीटा, फिर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं क्योंकि ACM कांस्टेंट आएगा, तो VCM स्क्वायर इज इक्वल टू UCM स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 ACM इनटू SCM, कुछ भी कर सकता हूं यार,
और वो थर्ड इक्वेशन आई कहां से थी? एनर्जी कंजर्वेशन से ही तो आई थी यार. अगर ध्यान दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को हाफ उससे कर दो, अपने आप आ जाता है. और बोला भी था मैंने, जो वर्क एनर्जी थ्योरम लिखाया था, मैंने कहा था वर्क एनर्जी थ्योरम इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कैसे भी कर लेंगे. तो पहले एसीएम ही निकालने ज्यादा अच्छा है, ठीक है? या पहले सीधे वीसीएम निकालना चाहोगे? जो मर्जी वो बता दो मुझे. सब कुछ निकालना है, एसीएम भी निकालना है, ठीक है? तो वही करेंगे, सब निकालते, परेशान ना. अब देखो भाई, अब इसे चलाने वाला कौन? एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम. एक इक्वेशन, हाँ या ना लड़की? ठीक है. एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा. एफ इज इक्वल टू आई सी एम ए सी एम अपॉन आर स्क्वायर. अब निकम्मो यही है कि नहीं है? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे ए सी एम मिल जाएगा. लिख दूं ए सी एम डायरेक्टली, सॉल्व करने पे लिख दूं? सॉल्व ही तो करना, दोनों को ऐड करना, आंसर आ जाएगा. तो ए सी एम इज इक्वल टू ये आ गया भाई, आ गया, आ गया ए सी एम. अल्फा सी एम भी आ गया. कहां पर? तेरा ही सवाल, मुझे तुझे मैंने पहले भी बताया था ये. ठीक है, मुझे याद रहता है कि मैंने एक बार किसको क्या बताया. ठीक, अब क्योंकि पहले भी शकल पे ऐसे ही लिखा होता कि आर कैसे आया. ठीक है, अब देखो एक मिनट, आ गया बेटा, चेक करो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कोई इशू नहीं होना चाहिए यहां तक तो? है कोई इशू? नहीं. अब इसके बाद हमें क्या बताना है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही बताना है. तो आप एक काम करो, फ्रिक्शन के लिए वैल्यू पुट कर दो, ए सी एम की या अल्फा सी एम की, किसी की भी डाल दो, वैल्यू आ जाएगी. तो कितना आएगा फ्रिक्शन, जरा देखो, डाल दें वैल्यू. मैंने ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन, अबे यार, ये वाली वैल्यू उठा करके यहां डाल दी तो आई विल गेट व्हाट? फ्रिक्शन. या ये वाली वैल्यू यहां डाल दी, आई विल गेट व्हाट? फ्रिक्शन. लिख दूं डायरेक्टली फ्रिक्शन कितना आया? एफ इज इक्वल टू, एक बार चेक कर लेना यार, मैंने सही लिखा गलत लिखा? तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मुझे जो याद है मैं उस हिसाब से कर रहा हूं. देखिए ये आ रहा है, चेक कर. पिछले में भी तो यही आया था, एफ अपॉन वन प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई सी एम. थोड़ा सा ध्यान रखो कि चीजें क्या बन रही है. सेंटर पे फोर्स लगा था तो एफ अपॉन वन प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई सी एम आया था. यहां भी सेंटर पे फोर्स लग रहा है, वैसे ही आएगा. एफ की जगह कौन आ गए हैं? एम जी साइन थीटा, और तो कुछ नहीं हुआ. ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, अरे ए सी एम में भी एफ अपॉन एम था, तो एफ क्या था? एम जी साइन थीटा अपॉन एम, कट गया, जी साइन थीटा आ गया. अब जरा ध्यान दो, फ्रिक्शन निकाल लिया हमने, हमने क्या करा? ए सी एम की वैल्यू यहां डाली, फ्रिक्शन आ गया, आ गया फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के आने के बाद अब हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी. तो जरा देखो, एफ एल बड़ा होगा इस वाले फ्रिक्शन से हमेशा, होगा या नहीं होगा? एफ एल इज व्हाट? म्यू इनटू एन, एंड एन इज व्हाट? एम जी कॉस थीटा. यस और नो? अरे भाई, एक ही बोर्ड पे क्यों नहीं सारी चीजें करने देते हो? हाँ या ना? Yes, तो जरा देखो, म्यू कितना आ गया? म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई सी एम. अब आप देखो, अगर ये रिंग होता तो म्यू की वैल्यू टैन थीटा बाय टू से बड़ी होनी चाहिए. Yes, हाँ या ना? डिस्क होता तो कितना होता? टू टैन थीटा बाय थ्री से बड़ी होनी चाहिए. इसी टाइप से आता रहेगा सबके लिए. अब हम आ जाएं दूसरी चीज, इसको छोटा कर दें. अब हम जानना चाहते हैं जब बॉडी यहां पहुंच गई, पहुंचा देते हैं इसे. जब यहां पहुंच गई बॉडी
तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों चीजें जानना चाहते हैं, क्योंकि एसीएम है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल व्हाट चेंज, एज वेल एज ओमेगा सीएम है, सॉरी अल्फा सीएम है तो ओमेगा सीएम भी आएगा आएगा कुछ ना कुछ। तो अब जरा देखो भाई, अब दो तरीके हैं, एक तो यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना कि मैं अप्लाई कर सकता हूं, तो आप लिख लो चाहे वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग अनएक्सेलरेटेड रोलिंग बिकॉज वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो। ठीक है भाई, अगर कहीं स्टेटमेंट आ जाए कि क्या हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, लिखो जरा वी कैन अप्लाई कैपिटल एम कैपिटल ई कैपिटल सी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड रोलिंग, ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड रोलिंग एज वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, हाँ या ना? ठीक है, ये बात हो गई। अब सुनो भाई, इतनी बात हो गई, एफ एल इज लेस देन एफ अत्यंत कह रहा है भाई फ्रिक्शन जो हमारा है स्टैटिक है तो ये लिमिटिंग से छोटा होना चाहिए, एक्सेलरेटेड रोलिंग के दौरान जो फ्रिक्शन लगता है वो सेल्फ एडजस्टिंग लगता है। अब सुनो भाई, तो एक तरीका था मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कर लूं, या दूसरा तरीका क्या था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ही लगा लेते, मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा रहे। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है देखो, वी सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू यू सी एम स्क्वायर, वो तो जीरो है, टू ए सी एम इंटू एस सी एम, ये सुनो एस सी एम क्या हो गया, ये वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस विल बी व्हाट एच बाय साइन थीटा, बड़े बेकार हो यार। ठीक है, तो वी सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू एच बाय साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा निपट गया, तो वी सी एम आ गया अपने पास अंडर रूट बढ़िया वी सी एम आ गया। अब ओमेगा सी एम भी आ गया भाई, अपॉन आर कर दो यार, सिंपल सी बात है, या ज्यादा दिक्कत हो रही है तो एक काम करना, ओमेगा सी एम इज व्हाट, पहले टाइम निकाल लेते हैं, बता देता हूं ओमेगा सी एम बाद में निकालेंगे आपको अगर दिक्कत आ रही है, अब टाइम निकालते हैं इसको यहां से यहां पहुंचने का, रुक जा मुंह बंद रख। टाइम निकालने का एक तरीका है कि वी सी एम बाय ए सी एम कर दो, सही कह रहा है हाँ या ना, या हम क्या करें हाफ ए सी एम इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी एम, कोई भी इक्वेशन लगा लो यार, अरे सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली, यू तो जीरो है, ए पता है आपको, एस पता है, एस इज व्हाट एच बाय साइन थीटा, या ये भी कह रहा वी बराबर यू प्लस ए टी होता था भाई, तो क्या करो आप, टी नीचे पहुंचने का टाइम टी नॉट इज व्हाट वी सी एम अपॉन, ये अच्छा लग रहा है तुझे, डिवाइड करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं, कर दिया, मेहनत तो करनी पड़ती है बेटा। अब देखो भाई, भाई बहुत सही जगह है वो, ठीक है, अगर आप पहुंच गए तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो फिर तो करनाल बहुत अच्छी जगह फिर। अब देखो मतलब, अब सुनो भाई ये आ गया, अब जरा निकालते हैं, अब देखो देख मैंने जो करना था कर लिया भाई, अब इसलिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, तुम करो, हाँ बिल्कुल रुक मुंह बंद रख, अब ये देखो भाई ये आ गया अपने पास, हमने वैल्यू डाल दी, अब आप एक चीज देखो यार, आप ऐसे देखो टी नॉट इज इक्वल टू, ध्यान सुनना भाई, वन बाय साइन थीटा अंडर रूट टू एच, मुंह बंद रख मैं कर दूंगा
ठीक है बेटा। अब आप एक काम करो, इतना हो गया, सारी चीजें निकाल ली हमने। सवाल कैसे पूछता है मेडिकल में, क्या पूछता है मेडिकल में? वो आपको बोलेगा होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, रिंग है और डिस्क है। ठीक है, इनको हमने ऊपर से छोड़ दिया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेलोसिटीज अरेंज कर दो। तो आप क्या करोगे, आईसीएम की वैल्यू डालते रहोगे, आपको मिलता जाएगा। अगर देखो रिंग की हो गई कितनी, अंडर रूट जीएच, डिस्क की कुछ और आएगी, उसको अरेंज करना। कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन देर में पहुंचेगा, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इतनी बात। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये सब ड्रामे पूछता है। या म्यू की वैल्यू, और ये बात जरूर ध्यान रखना, अगर म्यू की वैल्यू इससे कम है तो एक्सेलरेटेड रोलिंग नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखना। तब क्या होगा, स्किडिंग या स्लिपिंग। अरे यस और नो, देख भाई पारस रिजल्ट याद कर लेता है अगर तू मेडिकल वाला, तो वेल एंड गुड, नहीं भी याद करता तो 2 मिनट लगते हैं इसको डिराइव करने में। आपको एसीएम पता है, अपने आप सारी चीजें आ रही हैं। एक रिजल्ट याद रखो, सारी चीजें बनी बैठी हैं, नोट करो इसे। चैप्टर भी खत्म हो गया है, ये बता दूं। ठीक है, अब करा रहा हूं सवाल, थ्योरी खत्म हो गई। मतलब मेडिकल में अरेंज करने को आता है, ठीक है। नॉन मेड में वो क्या करेगा, आधे रास्ते में फ्रिक्शन कम कर देगा, उसके आगे वाले में क्या कर देगा, फ्रिक्शन सफिशिएंट कर देगा, तब कुछ खेलने को कहेगा, तो वो भी देखेंगे अभी। बेटा बातें नहीं, सर बच्चे कह रहे हैं हैप्पी नहीं है, बट चलो नोट करो इसे फटाफट। कर लिया सबने, अब क्वेश्चन करेंगे बेटा। अरे छोड़ ना, क्यों परेशान है। अब हम क्वेश्चन करते हैं भाई। सबसे पहले आप क्या करोगे, एच सी वर्मा स्टार्ट करोगे और उल्टा स्टार्ट करोगे, ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू कर लोगे। उसके बाद एच सी वर्मा में 86 नंबर से स्टार्ट करना एक्सरसाइज में, ठीक है। इतनी बात, आपसे ना हो कोई बात नहीं, लेकिन भिड़ो जरूर क्वेश्चन के साथ, थियरी सारी आपको आती है। चलो एच सी वर्मा का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। कौन सा वाला, करा रहा हूं, सारे करा रहा हूं, परेशान। अब हो गया भाई ये, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2 दिन सवाल करेंगे, ठीक है इतनी बात। उसके बाद फिर हम ग्रेविटेशन पे जाएंगे, ठीक है। मेरा मन नहीं है वैसे ग्रेविटेशन कराने का, अगले साल पता है एक दिन में करा दूंगा, बस इतना फायदा होता है। मतलब हाँ, अगले साल एक दिन में हो जाएगा वही चैप्टर, हम उस पर 1 हफ्ता लगाएंगे। हाँ सर, अगले साल। तुम मुंह बंद रख। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 एच सी वर्मा। बेटा बातें नहीं, चुपचाप सुन लो बस। होलोस्फीयर है, लिख लो होलोस्फीयर, रेडियस आर, रेडियस कैपिटल आर, होलोस्फीयर रेडियस कैपिटल आर ऑन स्मूथ सरफेस। ऑन स्मूथ सरफेस, होलोस्फीयर ऑफ रेडियस आर ऑन स्मूथ सरफेस, सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं। इसके टॉप पे टेंजेंशियली हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं बेटा, एफ। आपने क्या बताना है, इन वन कंप्लीट रोटेशन
इन वन कंप्लीट रोटेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर। अब मुझे आपसे पूछना है क्या रोलिंग होगी? नहीं होगी, हाँ या ना? कतई नहीं होने वाली रोलिंग, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, ये बात तय है। तो अब रोलिंग नहीं होनी है, क्या होना है? स्लिपिंग या स्किडिंग, जो भी होना है, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, फोर्स तो लग रहा है, अगर फोर्स लग रहा है बेटा तो एक बात बताओ, इसके पास एसीएम आएगा कि नहीं आएगा? और ऐसे करके टॉर्क भी लग रहा है तो अल्फा सीएम भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? बाकी तो कहीं कुछ नहीं लगने वाला, नीचे एमजी लगेगा, ऊपर एन लगेगा, उसका कोई पर्पज नहीं। अब सबसे पहले आप ऐसे देखो, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम, कोई इशू है इसमें? होगा ही होगा। दूसरा एफ इंटू आर इज इक्वल टू, अच्छा मैं अब ये नहीं लिख सकता ए सी एम बराबर आर अल्फा सी एम, लिख ही नहीं सकता क्योंकि रोलिंग नहीं हो रहा है। अरे यस ऑर नो? तो अब एफ इंटू आर इज इक्वल टू टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा सी एम, अब ये तो लिख सकता हूं, अब लिख सकता हूं या नहीं? ठीक है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अल्फा सी एम कितना आया अपने पास? अल्फा सी एम इज थ्री एफ अपॉन टू एम आर, यस ऑर नो? इनिशियल ओमेगा क्या था? जीरो था। अल्फा सी एम कॉन्स्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, हाँ या ना? तो मैं टाइम निकाल सकता हूं एक बार पूरे चक्कर का, कितना एंगल लेकर के? टू पाई। तो अब फॉर फुल रोटेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप समझ जाओ तो, फॉर फुल रोटेशन थीटा सी एम इज इक्वल टू टू पाई इन टाइम व्हाट? टी नॉट। तो थीटा सी एम इज इक्वल टू हाफ अल्फा सी एम इंटू टी नॉट स्क्वायर, यही फॉर्मूला बना के नहीं बना? yes, डाल दो भाई, टू पाई इंटू टू कितना? फोर पाई इज इक्वल टू थ्री एफ अपॉन टू एम आर इंटू वॉट? टी नॉट स्क्वायर, हाँ या ना? yes, तो टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एट पाई एम आर अपॉन थ्री एफ, ये आ गया टाइम, आ गया एक रोटेशन का। yes, अब मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है एफ अपॉन एम, अरे है कि नहीं है? yes, तो एस सी एम इज इक्वल टू हाफ ए सी एम इंटू वॉट? टी नॉट स्क्वायर, निकम्मो यही आएगा कि नहीं आएगा? yes, हाँ या ना? yes, तो सिंपल हो गया। जब आप एक बार थियरी समझ जाओगे ना तो आपको सवाल बहुत आसान लगेंगे। एस सी एम इज फोर पाई आर अपॉन थ्री, अगर रोलिंग होता तो एस सी एम क्या होता? टू पाई आर होता, हाँ या ना? देखो कम हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कम हुआ एज कंपेयर टू जो ये पॉइंट घूमा इसके ऊपर, ये पॉइंट तो कितना घूमा? टू पाई आर ही घूमा, लेकिन ये वैल्यू टू पाई आर से क्या आ रही है? कम आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब यहां पर रोटेशन ज्यादा था, ट्रांसलेशन क्या था? कम था। बढ़िया बात है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सी एम छोटा हो गया इन कंपेरिजन टू अल्फा सी एम आर से, तो देख ले अल्फा सी एम इंटू आर की वैल्यू करेगी थ्री एफ बाई टू एम आ रहा है, और ए सी एम कितना रहा? एफ अपॉन एम, कौन बड़ा है? ट्रांसलेशन एक्सेलेशन किसका ज्यादा? इसका ज्यादा है, तो यानी कि सर्कल के ऊपर ज्यादा घूम रहा है और आगे बढ़ क्या रहा है? कम रहा है, ठीक है। मतलब पहिया ऐसे ज्यादा तेज चल रहा है, आगे की तरफ कम बढ़ रहा है, जो आपका क्या कहते हैं रेत वगैरह में होता है, ठीक है। इतनी बात, वो कहानी है। मतलब जब फ्रिक्शन कम पड़ जाता है तो रोलिंग नहीं हो पाती, अबे नहीं हो पाती, स्किडिंग होती है ना, स्लिपिंग होती है, जो भी है स्लिपिंग कहते हैं, दिस इज नॉट कॉल्ड एज स्किडिंग, स्लिपिंग कहेंगे ना इसे। स्किडिंग का मतलब होता है एसीएम ज्यादा हो जाए किससे? अल्फा सी एम आर से, उसको स्किडिंग कहते हैं, लेकिन हम दोनों वर्ड एक ही यूज कर रहे हैं फिजिक्स में, ठीक है। और देखो भाई, दोनों सेम मानने, हमने रोलिंग नहीं हो रही बस, हम ये मानेंगे, ठीक है। रोलिंग नहीं हो रही तो हम कोई भी वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक। अगर वो
आगे वाली वेलोसिटी ज्यादा है, पीछे वाली कम है, तो उसको स्किडिंग कहते हैं, स्किड कर जाना। और अगर पीछे वाली वेलोसिटी ज्यादा है या एक्सेलरेशन ज्यादा और आगे वाला कम है तो उसको कहते हैं स्लिपिंग। लेकिन हम फिजिक्स में रोलिंग नहीं हो रही है तो हम लिखेंगे स्किडिंग और स्लिपिंग, कुछ भी वर्ड यूज कर लो, एक ही बात है, ठीक है, इतनी बात, और कोई लेना देना नहीं उससे, मतलब उसके लिए परेशान नहीं होना अंग्रेजी के लिए, ठीक है। ये हमारे पास, ध्यान से देखो भाई, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, छोटा सा है, देखो, एक बॉडी ये है, मतलब मैं ये कह रहा हूं, सुन ले एक मिनट, दोबारा सुन, ये एसीएम है, ये अल्फा सीएम और ग्राउंड है, दोनों बराबर हो गए, एसीएम बराबर अल्फा सीएमआर, रोलिंग हो गई। अब अगर कुछ भी डिफॉर्मिटी आती, ये बड़ा है अल्फा सीएमआर से या ये बड़ा है एसीएम से, तो कुछ नहीं करना, हम स्लिपिंग या स्किडिंग दोनों बोल देंगे, दोनों वर्ड क्या है, सही है, ठीक है, कुछ अलग अलग नहीं कहानी बनानी, ठीक है, अंग्रेजी नहीं समझनी है। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी बेटा, ध्यान से देखो बच्चों, बातें नहीं बेटा, वो तो लैंग्वेज है, बस रोलिंग नहीं कर रहा, हमें ये मतलब है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब सुनो भाई, ये दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ठीक है, इतनी बात लिख लो, बोथ आइडेंटिकल बॉडीज, आइडेंटिकल मतलब मास सेम, रेडियस सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। अब ये वाला रेस्ट पे है, ग्राउंड पे, और ये वाला VCM से ऐसे चल रहा है, और ऐसे करके इसके पास ओमेगा CM है, और ओमेगा CM किसके बराबर है, VCM अपॉन R के बराबर है, मतलब ये रोल करता हुआ आ रहा है, ठीक है, इतनी बात, ऐसे आ रहा है, इससे टक्कर होती है इलास्टिकली, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इतनी बात, टक्कर के बाद इसका ओमेगा और इसकी वेलोसिटी, इसका ओमेगा और इसकी वेलोसिटी, टक्कर के जस्ट बाद, रुको बता रहा हूं, टक्कर के बाद, जरा देखो मैं डायग्राम बना देता हूं, कैसा कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक, तो इसकी वेलोसिटी उसे मिल जाएगी और इसकी इसे मिल जाएगी, तो क्या हो गया, अब अगर हम डायग्राम बनाएं, ये रेस्ट पे हो गया पहला वाला, और ये कितने से हो गया, VCM हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, अरे क्लियर है, अब एक और चीज, हाँ एक चीज बताना भूल गया, दोनों बॉडीज कैसी हैं, स्मूथ हैं, कैसी हैं, स्मूथ, स्मूथ नहीं होती तो खेल खराब हो जाता, ठीक है, अब स्मूथ हैं, तो एक बात बताओ, जब इनकी टक्कर हुई होगी उस मोमेंट पे, ये पॉइंट किधर जाना चाहता होगा, नीचे, हाँ या ना, नीचे जाना चाहता कि नहीं जाना चाहता, इसके रिस्पेक्ट में, तो अगर फ्रिक्शन होता, स्मूथ ना होते, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग जाता, ऊपर उस इंस्टेंट पे, इंपल्सिव फ्रिक्शन आता कि नहीं आता, और इस पे किधर आ जाता, नीचे, तो इसमें ऐसे करके ओमेगा आने की कोशिश करता, और इसका ओमेगा क्या करने की कोशिश करता, घटने की कोशिश, हाँ या ना, तो मैंने वो प्रोबेबिलिटी खत्म कर दी, मैंने कहा स्मूथ, ठीक है, इतनी बात, ये कहानी खत्म कर दी मैंने, ठीक है, मतलब अब क्या हो गया, अब फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो ओमेगा में कोई चेंज आना नहीं है, तो इसका मतलब ये भाई तो ऐसे ही यहीं पर घूमता रहेगा, क्योंकि इसके ओमेगा चेंज नहीं हुआ, और इसमें कोई ओमेगा आया नहीं, तो इसका ओमेगा क्या हो गया, जीरो, और इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अब मेरी बात सुनो, अब इसके बाद सवाल क्या हो सकता है, कि इसके बाद भी पढ़ने को आ सकता है, कि ये बॉडी, अब मान लो ग्राउंड क्या है, रफ है, ठीक है, ग्राउंड कैसा, रफ, तो इस बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे, और इस बॉडी पे किधर लगेगा, पीछे, हाँ या ना, तो इस बॉडी पे जब आगे लगेगा तो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा और ओमेगा को घटाएगा, थोड़ी देर बाद क्या कर देगा, रोलिंग, जैसा हमने पढ़ा था, इस बॉडी पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा, वो इसकी वेलोसिटी को घटाएगा और ओमेगा को बढ़ाएगा, थोड़ी देर बाद इसमें भी क्या ला देगा, रोलिंग, फिर आपसे ये पूछे कि किसमें पहले रोलिंग आएगी, अगर मैं यहां म्यू दे दूं, दोनों के लिए क्या है, म्यू है, इस सिचुएशन के बाद रोलिंग सबसे पहले किसमें आएगी, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा रोलिंग का, हाँ या ना, उसके लिए आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दो, या क्या कहते हैं, कल जो हमने काइनेमेटिक्स यूज करी थी, अरे क्लियर है,
उसका तो सवाल वही चला गया ना, तो हमारा सवाल तो आईटी में इतना आया था कि किसका ओमेगा कितना होगा, किसका वी कितना होगा, हमने लिख लिया, ठीक है, इतनी बात नोट करो इस बात को, हो गया, आज इतना ही करेंगे, कल देखते हैं, ठीक है।